स्वागत है दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त चेतन कश्यप, तो तुसी देख रहे हो हुशियारपुर न्यूज़ चैनल। सो खबर शुरू करन तो पहला वीडियो की शुरुआत में मैं गल कह देना चाहता कि अज की जो ये वीडियो है इसनू ऐसा खबर है जिहड़ा ना देखा जाए, इसनू अपने फायदे लिए जरूर वेख्या जाए, क्योंकि ये जो वीडियो मेरे वालों दिखाई जाएगी ये हर एक घरेलू इंसान लिए बेहद लाहेवंद है, क्योंकि बीते दो कु दिन पहला मेरे वालों एक खबर जी नशर की गई है गुरु नानक पवित्र जंगल नूं लैके, जो कि हुशियारपुर के बेहद नज़दीकी पिंड अजवाल दे नाल संबंधित है। सो उस थां ते ही अज मैं एक बार मुड़ तो पहुंचा है, क्योंकि प्रोफेसर बहादुर सिंह सुनेत हुणां वल्लों जानकारी दी गई सी कि मेडिसन दे संबंध रखने वाले बहुत सारे बूटे उन्हां वल्लों इस जंगल दे विच जिहड़े स्थापित किए गए हैं। सो इस जंगल दे विच उन्हां वल्लों बूटा लगाया गया सी फालसे दा। सुभाविक है कि अज दी नौजवान पीढ़ी नूं इत्थे तक कि मैनूं वी नहीं पता सी कि फालसे दा बूटा की हुंदा है, की इस ते नफे नुकसान होंदे ने। सो फालसे दे नाल संबंधित जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन लई मेरे नाल इत्थे वैद सरबजीत सिंह माणुकी जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे कि फालसे दे की मनुखी जिंदगी दे विच की फायदे ने, ते असीं इस दी घरां दे विच वरतों किवें कर सकते हैं। सो वैसा बहुत बहुत स्वागत है जी हुशियारपुर न्यूज़ चैनल ते। वैसा फालसे दी गलबात चल रही सीगी, सो सब तो पहला दर्शकां नूं जानकारी सांझी इह जरूर दिओ कि फालसे दा बूटा आखिरकार हुंदा की है जी। एक्चुअली जदों असी किसी भी औषध का किसी भी द्रव्य का अध्ययन करते हैं तो साढ़े को एक शास्त्र है आयुर्वेद के विच जिसनों असी द्रव्य गुण विज्ञान कहने हैं, जिस विच औषध का नाम जिमें कि नाम फालसा है, इहदा रूप यानी कि इहदा आकार फालसा जो है 8 तो 10 फुट हाइट विच चले जाता है, ये झाड़ीदार एक जिहड़ा हैगा ये दरखत पाया जाता है। फिर इसके कर्म इसके गुण तो इसके उपयोग वो की हैं इन बारे जो है वो जानकारी जिस शास्त्र तो मिलती उसनों असी एक द्रव्य गुण विज्ञान आखते हैं। तो फालसा जो है बहुत पुराने समय तो जिहड़ा हैगा कि साढ़े स्कूलों के फल जिहड़ा हैगा बिकने आउंदा सीगा, बचपन के बच्चे असी ये पंजी दसी का लैके जो है खाने से नमक पा के वेचन वाला सानू दिंदा सी, और ये गर्मियां दी रुत दा मेवा है और बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक किस तरह है जी गर्मियों के जिमें कि दस रहे हो कि गर्मियों की रुत का जो मेवा है, किस तरह है गर्मियों के किमें वरतों की जा सकती है? एक तो ये फ्रूट जो है इसके फल के जो है वो रस है, जिस दे रस होएगा वो रस का निर्माण हमेशा ही पानी तो होता है, गर्मियों के साडे शरीर में पानी की लोड़ पैंदी है। दूजा ये खट्टा और मिठा है स्वाद के, और खट्टा होने करके ये सीटरस है, सीटरस होने करके इस विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो साडे मसूड़ियां वास्ते साडे मसल्स वास्ते साडी कार्डियक हेल्थ वास्ते बहुत ही लाहेमंद है। दूसरा है इस दे विच आयरन दे लोहे दे अंश भी जो है वो पाए जाने, और ये फालसा जो है साडे खून का निर्माण करता है। दूजा है कि साडी शरीर में जिहड़ा है डीहाइड्रेशन तो और सनस्ट्रोक जो गर्मियों के सानू लू वगैरह लग जाती हैगी उस तो बचाउंदा है। इसनों खादा भी जा सकता है तो इसनों घोल के इसका शरबत बना के इसनों पीता भी जा सकता है। मतलब कि जेड़ा व्यक्ति है पत्ता नहीं खा सकते तो इसका शरबत बना के जेड़ा घर पीता जा सकता जी? इसके पत्ते चेतन जी नहीं खादा जाता, इसनों जो फल लगता है छोटा जिहा खट्टा मिठा, सॉरी माफी चाहता फल नूं, हाँ जी वो फल जिहड़ा हैगा बहुत उपयोगी है, वो फल ही जो खादा जाता है जिमें कि असी बेर खाने हैगे हाँ, बेर नालों थोड़े छोटे आकार का होंदा है, लाल रंग गूढ़ा लाल रंग जां उहनूं आपां नसवारी जिहा रंग भी कह दिंदे हां, मैरून कलर भी कह दिंदे हां, इस कलर के इस फल का जिहड़ा हैगा वो हो जाता है। साडी कार्डियक हैल्थ जिहड़ी हैगी आ उहदे विच साडे दिल नूं इह शांत रखदा है कि जिद्दां कि कुछ लोग जिहड़े हैगे आ कि गर्मियों के डीहाइड्रेट होंदे हैगे आ जां वो हाइपरटेंशन दे विच चले जाते हैगे आ, जां कुछ लोग अनीमिक हो जाते हैं, जां कुछ लोगों नूं चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल कूलिंग ते सूदिंग इफेक्ट दिंदा इंसान नूं बहुत शांत रखता है। जी आप फल की डॉक्टर साहब वैसे गल कर रहे हैं, वो फल किस तरह का खट्टा होंदा मिठा होंदा या किस तरह का स्वाद होंदा? खट्ट मिठा होंदा है, खट्टा भी होंदा और मिठा भी होंदा, खट्टा होने करके उहदे विच जो है कि विटामिन सी पाया जाता है, मिठा होने करके उहदे विच कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं कि जिथे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते उसे ग्लूकोज आ जाता, इस करके ग्लूकोज जरा वो साडे शरीर दे विच ऊर्जा प्रदान करता है। शुगर के मरीजा लई कितना कु लाहेवंद जी ये? शुगर का मरीज जिहड़ा हैगा वो कोई भी फ्रूट खा सकता हैगा, क्योंकि शुगर फ्रूट्स के जड़े ज़्यादातर के फैक्टोस पाए जाते हैं, फैक्टोस जोड़े है वो छेती कितने खंड के तब्दील सीधे तौर पर
नहीं होंगे, वो जो ग्लूकोस दूसरा खतरनाक घातक है वो होंगे ने सुक्रोस जो गन्ने दे विच पाए जाते हैं, गन्ने तो खंड और गुड़ जिहड़े तैयार होंगे ने वो जिहड़े है सीधे तौर पर साढ़े जिहड़े शरीर में जाके और खंड दे विच जिहड़े है तब्दील हो जाते हैं, शुगर लैवल साडा वो बढ़ाते हैं। कोई भी फ्रूट साढ़े जिहड़ा शुगर लैवल नहीं बना, क्योंकि इन्हां दे विच फ्रक्टोस नाम की ग्लूकोस पाई जाती है जो कि शुगर के कन्वर्ट नहीं होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिमें कि तुम वैसे ये फायदे बहुत व्डे पद्धर से तुम गिनवा रहे हो, तो सुभाविक है कि दवाइया भी इसकी वरतों होंगी है जी? हाँ जी हाँ जी, दवाइया के बहुत ज़्यादा ये तो पहले साढ़े जिन्हें भी वैद्य हकीम होंगे सके वो खास करके जोड़े है दवाइया ही शरबतों के नाल देंगे सके, गर्मिया के संदल का शरबत देंगे सके, गुलाब का शरबत देंगे, नीलो फड़ का शरबत देंगे, शतूत का शरबत देंगे, उनाब का शरबत देंगे, तो फालसे का शरबत मेरा ख्याल है हूँ भी हमदर्द एक अजि कंपनी है जो फालसे का शरबत बनाई है, जिमें कि बिल का शरबत आम असी हूँ बिल के बूटे देखते हैं कि गर्मिया के साड़ी जी गट हैल्थ है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा साड़िया अंतड़िया ताकत देंगे, अंतड़िया के इनफेक्शन ठीक कराते हैं, कूलिंग तो सूदिंग इफेक्ट अंतड़िया की एक पैरास्टालसिस मूवमेंट होंगी है जो वो तेज़ हो जाती है उन्हें कोई इनफेक्शन आती है तो फिर सानू जे इमोशन हो जाते हैं जो मरोड़ा खानिया शुरू कर देंदियां जिहदे नाल साढ़े जिहड़ा बट पैना शुरू हो जाता है। मैं दो चीज़ां तुहानूं दसणियां चाहवांगा कि जदों भी असीं कोई गल करदे हाँ जां कोई गल देखदे हाँ तो साडा सीधा भी जिहड़ा कि पाचन दा जदों जिक्र आउंदा है तो हमेशा ही जिगर दी ही गल कीती जांदी है, जिगर तो पहले जिहड़ा हैगा कि जो फूड असीं खाने हाँ जो खाना असीं खाने वो साडे स्टमक दे विच जांदा है, उत्थे चर्निंग प्रोसैस हुंदी है 45 मिंट दी, खाणा साडे पेट के हजम हों। सो मैं दर्शकों एक गल दस देनी चाहना कि बई जिगर तो पेट के बहुत ज़्यादा अंतर है, जिगर साढ़े राइट साइड से है और जोड़ा मेदा है जो पेट है जिन्होंने असं पेट कहने वो साढ़े खब्बे पासे है, सारे असी अबडामन कह दें तो मेदे में असी कला स्टोमक कह दें तो जिगर जोड़ा इनू असी लिवर कह दें, पहले तो इन्नी गलू जानना बहुत जरूरी है। जरूरी है लिवर के जोड़े है कि हज़ारा के हिसाब के नाल ये काम करता है, लेकिन अगर असी ये जोड़े है 10 कम जोड़े है कि एक्सक्रीजन करता है, ये स्टोरेज करता है, ये हैपरिन बनाता है जो साढ़े नाड़ियों के चलता खून है उन्हें जमन तो रोकता है, जे ये चीज़ा विटामिन ए डी ई ते के दा निर्माण करता है। अगर असी फालसा खाने तो साढ़े जोड़े है बाइलरी सिस्टम जोड़ा है बिल्कुल वो दुरुस्त रहेगा और साढ़ा शरीर जोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, साडा खून का निर्माण जो है वो जल तो होंदा है तो साढ़े जोड़े बायल है वह भी जोड़े है पानी तो बनते है बहुतात पानी की आँदी हैगी है, गर्मिया के जो पानी की मात्रा घटती है तो साढ़े अंदर बहुत सारे जोड़े लोड़ी तत्व तो भी घटने शुरू हो जाते। अंग्रेजी दवाइया के कि वरत होंगी है या नहीं होंगी है पूरी तरह नाल भी? अंग्रेजी दवाइया के ज़्यादा ये साड़िया ये हर्ब्स जड़िया है वो घट जरतिया जा कुछ एक जड़े सीरप है लीवर के उन्होंने जोड़ा है ये वरता है थोड़ी बहुत जी इन्हों वरतों की जाती है, वरतों तो जी है हूँ साढ़े हूँ वैसे भी है जी घट गई काफ़ी क्योंकि लोगों को फालसे बारे पता नहीं सगा, जो तुम जोड़ा है कि अपने हुशियारपुर न्यूज़ वाले पासों आके एक बहुत बड़ा उपराला किया कि लोग घर भी डॉक्टर साहब हाँ इन्हू लगाया जा सकता है, यदि वैसे तो घर के बेड़े के बूटा है बड़ी आसानी न लग जाता, बहुत ही हाइट नहीं होंगी 10 फुट हाइट कोई यदि मैक्सीमम जी ज़्यादा नहीं होंगी, बहुता खिलार भी नहीं होंगे तो यदि थोड़ी जी कटिंग जी कर दी जाती आसे पास तो आसे पास में भी बहुता नहीं जाता है, अगर थोड़ा भी तुहाडे कोल जगह हैगी तो फालसे का बूटा घर जो है जरूर लगाओ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो ये सन वैद्य सरबजीत सिंह माणुके जिन्हे माफ़ी चाहता सरबजीत सिंह माणकू जी जिन्हें गलबात की गई है। सो फालसे के बूटे के उन्होंने वालों नफे नुकसान दसे गए हैं पुराने समय के जिमें कि उन्होंने वालों दसया गया कि जेकर आयुर्वैदिक खेत्र की गल करिए आयुर्वैदिक खेत्र के फालसे की जी वे पद्धर से वरतों की जाती सी, जिस वक्त इन चीज़ों की वरतों की जाती सी तो उस वक्त जोड़ा मनुखी जिंदगी है ज इंसान है वो किन्ना कु तंदुरुस्त रहिंदा सी, शायद मैं बोल के दसन की लोड़ नहीं है क्योंकि जेकर आप अज की गल करिए कोई भी शायद अजिहा घर नहीं होगा जिथे सानू कोई ना कोई मरीज़ ना मिले। सो जेकर आप इस तो पहला अज तो 30-40 साल 35 साल पहला की गल करिए हर एक व्यक्ति जदों इन चीज़ों की वरतों की जाती स उस वक्त व्यक्ति है जोड़ा उच्चा लंबा हट्टा कट्टा तो जरूर जोड़ा एक तंदुरुस्त जिंदगी जोड़ा बतीत करता से। सो बहुत बहुत धन्यवाद, तुम जुड़े रहो हुशियारपुर न्यूज़ के नाल। We are a multicultural network community.
we groom competent global citizens to affect positive change around them.